टारगेट उन्होंने तय किया था, क्योंकि एसडीजी गोल है जो यूनाइटेड नेशन का, उसमें 2030 तक दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। तो 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखा था लक्ष्य, फिलहाल इससे मुक्त हो जाएगा और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई नए इनोवेशन के साथ, नई इनिशियटिव के साथ कदम उठाया गया था, जिसका असर अब दिख रहा है कि देश में इस वक्त 13 लाख टीबी के मरीज हैं। और एक निक्षय मित्र करके पहल शुरू की गई थी सितंबर से, तो उसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति हो या सिविल सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो टीबी मरीज है उनको गोद ले सकता है, और करीब 74,000 निक्षय मित्र अब तक बन चुके हैं और जो 10 लाख टीबी मरीज हैं उनको उन्होंने गोद लिया है। तो एक सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज भी आगे आया है और उनकी भी जिम्मेदारी बनी है कि जो भारत टीबी मुक्त होगा तो उनकी भी भागीदारी हो। तो ये जन भागीदारी के तहत समाज को जोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी देख रहे थे जो वहाँ पे स्टॉल लगा है, एग्जिबिशन लगा है, तो किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी मॉडल है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1.5 लाख है और वहाँ पर शुरुआती जांच में टीबी पकड़ में आता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अगर उनको संक्रमण दिखता है तो लक्षण दिखता है तो वो जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्टिंग किट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जो भी जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये तमाम जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके बाद उनको बताया जा रहा है सेक्रेटरी के जरिए कि कैसे कैसे जो टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पर जो भारत अभी जो पहल कर रहा है वो दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है और उसका असर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब पंचायतें को टीबी मुक्त होने का आह्वान करेंगे, उस पहल की शुरुआत करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि सबसे पहले पंचायत अपने स्तर पर टीबी मुक्त होंगे और उसमें एक होड़ लगेगी कि दूसरे पंचायत भी उनसे प्रभावित होंगे। और इस तरीके से जिला स्तर पर, जिला के साथ साथ राज्य स्तर पर ये होगा कि टीबी मुक्त होने का एक होड़ लगेगा राज्यों के बीच भी। और इस तरीके से जो 2025 तक टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए जन भागीदारी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के तहत, जन भागीदारी के तहत एक कदम उठाया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका असर देखने को मिलेगा। मैंने कई जो विदेशी डेलीगेट हैं उनसे बात है, उनका यह कहना है कि जो भारत का रोल मॉडल है वो काफ़ी सफल है और दुनिया के बाकी देश इससे सीखेंगे कि कैसे टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जाए। बिल्कुल है, और प्रधानमंत्री को कुछ देर में टीबी मुक्त पंचायत पहल सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। और आज वर्ल्ड टीबी डे है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कैसे साल 2001 में जब ये स्थापित हुआ था, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र की ओर से होस्ट किया गया संगठन है और प्रधानमंत्री यहाँ पर डायस पर पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। हम अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के लिए वास्तव में आभारी हैं। अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष जिनकी सम्माननीय उपस्थिति का लाभ हमें आज मिल रहा है वे हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डेटियो जी। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अतिथिगण, राज्यों से आए हुए अधिकारीगण एवं अन्य टीबी हितधारक। इससे पहले कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एवं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। वसुदेव कुटुंबकम के संदेश को चरितार्थ करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी, स्टॉप टीवी बोर्ड की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लूसिका डिट्यू जी, साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े राज्य के माननीय राज्यपाल एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, कजाकिस्तान के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अजहर गिनियत, ब्राजील के माननीय उप स्वास्थ्य मंत्री मिस एथेल लियोनोर नोका मैकियल, उपस्थित विशिष्ट जनों, दुनिया के अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों एवं देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की बात की गई है। हमारे लिए मेहमान भगवान के समान है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड टीबी डे है। जब हम इस दिन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले इस रोग पर विजय पाने की कामना रखते हैं। इस मौके पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में सालाना 24 लाख टीबी के केस पाए जाते हैं, जिसमें से करीब 93,000 लोगों की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इन सभी जिंदगियों को बचाने का प्रयास करते हुए वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने प्रतिबद्धता रखी थी कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत को हम टीबी मुक्त करेंगे, जबकि पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यह लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। दिनांक 9 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सेवा सप्ताह मनाते हैं, और तभी टीबी उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदया को टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करने का आह्वान किया था। भारत में हेल्थ को कभी कॉमर्स नहीं माना गया है। भारत में हेल्थ एक सेवा है, और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को जोड़ते हुए हमने केवल आह्वान किया था देश के नागरिकों को, देश के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को, गैर सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट संस्थाओं को, सब लोगों ने केवल 15 दिन में
टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, मरीजों को गोद लेने के लिए अभियान में सब लोग जुड़े। 15 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन गए और जिन्होंने देश में 12 लाख टीबी मरीजों में से 10 लाख मरीजों को गोद लिया, जिन्होंने इसके लिए सहमति दी, आज लगभग 74,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन चुके हैं और टीबी के मरीजों के साथ तन मन और धन से खड़े हो गए हैं। यह एक क्रांतिकारी प्रयास है जिसे दुनिया के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है। निक्षय मित्र कार्य को सफल बनाने में राज्यों के माननीय राज्यपाल श्रीओ और राज्य सरकार ने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। हम निक्षय मित्र की रणनीति से मिल रहे सकारात्मक नतीजे देखकर अन्य रोग जैसे सिकल सेल एनेमिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस आदि के उन्मूलन के हेतु भी कार्य कर रहे हैं। मैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रतिनिधि मंडल का भी आज स्वागत करना चाहता हूं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि इस कार्यक्रम को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों के बीच भी टीबी से निदान के प्रति उनका ध्यान केंद्रित करे। हमने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल COVID-19 के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। मुझे यकीन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समुदाय के साथ एकजुट होकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में टीबी पर जीत हासिल करेंगे। विश्व टीबी दिवस पर मैं टीबी पीड़ित लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी इस लड़ाई में समाज और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, हमारे सौभाग्य है कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दर्शन यानी वसुधैव कुटुंबकम के साथ G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह विकास और मानवता के लिए कई राष्ट्रों के बीच विश्वास और एकजुटता को दर्शाता है। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सभी महानुभाव उपस्थित रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज के इस सम्मेलन में विश्वास व्यक्त करता हूं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एवं कोविड काल में भारत द्वारा टीबी के उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका सादर धन्यवाद। अब हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के 4 स्तंभों यानी कि प्रिवेंट, डिटेक्ट, ट्रीट एवं बिल्ड के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों एवं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नई पहल के बारे में देखेंगे। पिछले 9 वर्षों में करोड़ों देशवासियों ने जन भागीदारी के सामूहिक सामर्थ्य से भारत को प्रगति और उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर किया है। एक और अहम लक्ष्य की ओर चल रहे हैं वही करोड़ों कदम, संग लहराने परचम टीबी मुक्त भारत का। जहां दुनिया ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है, वहीं भारत ने इस चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को 2025 तक हासिल करने की ठानी है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को बखूबी दर्शाता है। टीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर में एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और टीबी उन्मूलन के मुद्दे को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर महत्व प्रदान किया है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कमोडिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ
उस देश का साथ देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम या NTEP को देश भर में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आधुनिक और दूरदर्शी नीतियों की मदद से देश को टीबी मुक्त बनाने की पहल सक्रिय रूप से जारी है। इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क जांच और इलाज सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। भारत में निर्मित आधुनिक रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीनें जांच प्रणाली में सटीकता और अधिक गुणवत्ता ला रही हैं। सरकार द्वारा ऐसी 5,090 मशीनें देश भर की लैब्स में उपलब्ध कराई गई हैं। ये 2014 की तुलना में 12,000% से ज्यादा की वृद्धि है। बेहतर उपचार परिणामों के लिए विभिन्न नई कम अवधि वाली दवाओं को भी विकसित किया गया है। टीबी पीड़ितों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT द्वारा टीबी रोगियों को ₹500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 2018 से अब तक 80 लाख के करीब टीबी पीड़ितों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी गई है। एक्टिव केस फाइंडिंग द्वारा टीबी के मामलों की खोज और उपचार में गतिशीलता आई है। 2,55,000 अतिरिक्त मरीजों का निदान हुआ है। टीबी से जुड़ी सेवाओं को देश भर के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी उपलब्ध कराया गया है। भारत के देशवासियों ने टीबी को जड़ से मिटाने की जिम्मेदारी को दिल से अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप टीबी मुक्त भारत की मुहिम एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना के तहत आम नागरिक भी टीबी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभी तक 71,000 से ज्यादा निक्षय मित्रों ने लगभग हर एक कंसेंटिंग टीबी पीड़ित की देखरेख का उत्तरदायित्व लिया है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव का एक प्रमुख उदाहरण है। इन दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। जहां विश्व भर में टीबी पीड़ितों की संख्या 11% से कम हुई है, वहीं भारत ने कई ज्यादा की कटौती दर्ज की है। 2022 में 2014 के मुकाबले 56% ज्यादा टीबी पीड़ितों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली में दर्ज किया गया है। दुनिया को हमारा वादा है कि टीबी मुक्त भारत का ये जन आंदोलन इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य अब दूर नहीं। मानवता के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान। आप सभी लोगों ने देखा कि टीबी के खिलाफ भारत कितनी तत्परता के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका द्वितीय को। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर लुचिका द्वितीय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टॉप टीवी पार्टनरशिप, फॉर हर एड्रेस प्लीज। थैंक यू सो मच। ओ बॉय, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जी, मैडम ऑनरेबल Chief Minister of Uttar Pradesh. Dear colleagues and friends, what an amazing historical day. I mean, I don't know how you feel, but you can cut the emotions in pieces from here. We are here in Varanasi, in Kashi, the city probably, I understand, the oldest and longest inhabited in the world, thousands of years old city, to discuss about a thousands of year old disease, tuberculosis, the oldest airborne pandemic that we have, and not to discuss about it, but to discuss how we are going to end it. And we are here from more than 40 countries, sir, and we are with the Stop TB Partnership board members that I would like them to wave where they are. First, that traveled long distance to be here in this amazing city, first time ever meeting on World TB Day, and first time ever, and let's keep this in mind, meeting in the country with the highest burden of TB, but with the best plan, the highest ambition, and the most amazing activities implemented.
I want all of us to realize we are here in an amazing summit, and it has an amazing title. It says One World. The entire G20 presidency of India goes with an amazing slogan which speaks about basically embracing all of us into one future, one family, one earth. And we have one world that it's to be summit. And we have one world, we have one air. That's what we share. And we share one air, and we share whatever is in that air. And tuberculosis is as well in that air. So we are here today because, unfortunately, we have a very high burden of TB in the world. We still have 4,400 people that die every single day of TB. 700 of them are children. We still have a huge number, millions of people that are going every year undetected, untreated, and undiagnosed. And every single person that is not detected and put on treatment, as you know, infects 15 others. So there is a snowballing effect that we see here. So normally, a lot of journalists are saying, so you have this big burden, why are you having a slogan that says, yes, we can end TB? And I said, even before coming here to India, I said, because we have the ambition that we will end TB, and because we have, in few countries in the world, and in India, which is leading all of us, a very ambitious plan to end TB. In 2018, Honorable Prime Minister, we were in Delhi, and the Honorable Prime Minister said, India will end TB by 2025. And maybe there were some people that rolled their eyes. I tell them to stay with their eyes rolled because India is ending TB by 2025. With the vision of the Prime Minister Modi and the amazing leadership of the Minister of Health, Mansukh Mandavia, and the great teams working here, plus the civil society that you have here in India, created over the last 5-6 years, the country is on an amazing path to do that. And let me tell you 3-4 things. You heard the achievements here. I don't intend to repeat them. I want to say this. In 2022, the world probably did the best in terms of detecting and putting on treatment people with TB. And probably we will go first time ever in history with less than 3 million people that are missing TB diagnosis and treatment, okay? We usually were 3 and above. We were 4.2, we were 4.5, we were 5. This will be probably first time ever going below 3 million. And that is due to the work of very few but very important high burden countries. And the first one is India. I want all of us, I am not paying lip service, I'm leaving from India, but I want to give the Caesar what is for Caesar. The country in 2022 diagnosed and put on treatment 2.4 million people. That's 33% of people with TB that were put on treatment in 2022 came from India. That is a huge achievement. You know why? Because COVID made a dip in the cases diagnosed and treated in India as in other countries. And it took a lot of ambition and effort, not only to jump back, but to go above and beyond what was in 2019. In addition to India, we have here the high delegation from Indonesia. Thank you, DG Max and the team and Minister Budi for ensuring that Indonesia managed to bring the largest ever pool of people diagnosed and treated as India as well, Nigeria, and as well as Bangladesh, and Brazil, that are making us to say with our head up, yes, we can end TB.
In 2018, when the Prime Minister Modi said we will end TB by 2025, he triggered a lot of sweat and effort and hard work by a lot of people. It triggers something that we want and we wish to have in all countries. First, make a plan. What does it mean to end TB by 2025? If you don't make a plan and you don't think how it should be and you don't try to fund it, we will never even be able to think about it. You know what I mean? How can you end TB if you don't have a plan? And then, you know, there were a few things that were clearly understood what happened here. The budget for TB increased 4 times. The domestic budget for TB increased 4 times within 2-3 years. In addition to that, what India put in place to ensure this case finding and a lot of things you saw here, there are a lot of tools and innovation made in India that are being rolled out here, from the rapid molecular diagnosis to mobile X-ray, digital technology, a lot of artificial intelligence, drugs, combination of drugs, drones delivering the drugs, door-to-door case finding, the empowerment of civil society and communities and the efforts that are being done here are not matched anywhere else. There are TB forums. India alone has 30,000 TB champions. It's the highest number that we ever saw. In the presentation, and the Honorable Minister of Health spoke about Nikshe. Nikshe, every country should have Nikshe. We should try and clone you, sir, and come and push in every country to have a Nikshe. Nikshe is the only real-time TB information system that we have in the world. You basically go online, any of you now, and we find out how many people with TB were diagnosed. Per district, per sub-district, by age, by gender, by category. It's amazing to analyze the data, but it's empowering many other activities happening. There is an amazing decentralization of the TB efforts here, and I salute the way in which these are happening at sub-national level, at state and district level, in which actually there is a competition in which states the incidence and the numbers of people treated are going in the right direction. And we will hear today some prizes being given. That is absolutely amazing. Nikshe helps also. You heard in India, every single person with TB receives 500 rupees per month during the treatment. It's the scale that this effort took, being done through an online platform, through Nikshe, like this transfer of the cash, is unbelievable. 8 million people received around $220 million in the last 5 years for this. There are other countries giving a little bit of money. There is nothing at this scale, because India is not doing pilot projects. India is doing at scale, and that's something that we should embrace and should know about that. And let me tell you about something else that India does at scale, and it's actually my favorite, because it brings the heart and the love that we should have for the people with TB. I think in September last year, or early October, I think it was September, the TB Free India initiative of you, Your Excellency, Honorable Prime Minister, was launched. And that is an initiative in which people with TB are accompanied, if they will agree, by a supporter, by a person that will support and will encourage and will provide him with some financial resources or some food baskets, with a word of love, with a shoulder to cry throughout the treatment. It was an open invitation, basically, to the entire nation of India to embrace people with TB. Absolutely amazing idea. Absolutely amazing effort. Do you know why? First of all, because people learn about TB. And, you know, this is where people, you know, people like us with privileges, with salaries, private sector and so on, why not embrace one or two or three people that are less lucky than us? Stigma disappears. The people feel hurt and listened. And we, which are lucky ones, not sick,
we are able to understand about the challenges that a person of TB has. It went amazing. 1 million people already with TB from India are paired with their supporters. This is absolutely spectacular. Congratulations. I really think, honestly, that this is an idea that we can have in other places as well. And today, now here, I announce that I will personally support 5 people with TB from India, from here, from Varanasi. I want to go towards the second part of my speech, which I am going to hopefully finish very soon. I want to say this. India will end TB by 2025. We in Stop TB Partnership are the biggest supporters of the efforts of India and will continue to support this. With the team you have in place, Prime Minister and Minister of Health, and the colleagues here, I have no doubt. The incidence is already going up. There are states in which the incidence is going down at 40, 50, 30%, unheard of. This is fantastic. But we need, sir, your help in the world. I work for Stop TB Partnership, And I really believe we can end TB in the world by 2030. You know what happens? India goes ahead, we'll reach the end TB by 2025. We'll have to drag all of us after, you know? So we have to keep up. It's like in a race, you know? They go ahead, the rest we have to run to keep up. And in this keep up, there are 2 things that if you, Your Excellency, you have a bit of time to think about it. In September, in New York, during the UN General Assembly, we have the UN high-level meeting for TB. It's an important moment for all of us. And we are not that lucky in many countries to benefit from the attention of the prime ministers or heads of states. So we want to ask you here if you will be inclined, hopefully, to advise the people that are surrounding you and keep your calendar, to at least ring fence in your calendar the date of 22 September, that together with the Excellency Minister of Health, you will be with us in New York. So that will be an extremely important moment, because as I said, you see, TB is not a very sexy disease. And our people affected by TB are not the most visible, are the ones that are usually having, unfortunately, a vulnerability, are not the ones that we are able to see. But I know that your heart is for these people, and we need a voice to speak for them, that is a voice that will be listened at the world. So please, sir, if that will be possible, it will be great, not for me, obviously, not for the Stop TB Partnership, obviously, but for all of us here in the room and the world. And the second point that I want to make, and the last, and it's another request, I come from a country where we used to ask a lot of things, I'm Romanian. My second point is, we spoke here about one future, one earth, one family, one world. We need one leader. I'm serious. We want you to inspire other leaders in the world to help drive this agenda forward. And I'm looking at Stop TB Partnership during our board meeting. We will launch an initiative, a coalition of leaders, with the one leader as the founding leader. And I'm looking at the president of Indonesia. I'm looking at the president of Brazil. I'm looking at the president of South Africa and the president of Nigeria, the newly elected president of Nigeria, to maybe join under your leadership this movement.
We will announce it at the Stop TB Partnership, and we want to launch it in New York, and that will be for us in TB. You will definitely change the world and give the hope to all of us. I'm ending here with something that I want the rest of us to understand. I represent an organization that tries to support the countries to end TB. We have in the room the colleagues from WHO, from the Global Fund, from other many, many organizations. We will not end any disease unless the countries themselves and the leaders of the countries themselves care for the health of their people. Unless you have a prime minister that does in 5 years two high-level summits on tuberculosis and commits to end TB earlier than the rest of the world, unless you have leaders that care for the health of their people, whatever we do on the margins, we will not be able to end TB. That's why in India, we just need to ensure that the leadership continues. We need to ensure that we have the same type of embracing the health of people in every single country in the world. TB, Harega, India, Jitega. TB, Harega, Dunia, Jitega. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके प्रोत्साहन के लिए. थैंक यू मैम फॉर द लवली वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट्स दैट इंडिया इज टेकिंग टुवर्ड्स एंडिंग टीबी. उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है. माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप आए और सभा को संबोधित करें. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अधिशासी निदेशक स्टॉप टीवी डॉक्टर लोशिका, आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित देश और दुनिया के आए हुए सभी डेलीगेट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना स्थली काशी में वर्ल्ड टीवी डे के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मैं इस अवसर पर दुनिया से और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं. मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इस समिट का आयोजन भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में आयोजित किया है. काशी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की स्थली है, जहां से देश की संसद में वे स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में भारत जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, स्टॉप टीबी कैंपेन के जो अधिशासी निदेशक के उद्बोधन में वे बातें बहुत अच्छे ढंग से यहां पर प्रस्तुत भी हुई हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब भारत दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था, उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। और आज स्टॉप टीबी कैंपेन का जो एक थीम भी दिया गया है, यह वास्तव में उनके उन संकल्पों को ही मजबूती प्रदान करने और उस संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का है कि यस वी कैन इन टीबी। और इस थीम को भारत, उस थीम के अनुरूप हम ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 21% देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित कुल रोगियों में से 21% उत्तर प्रदेश में पाए जाते रहे हैं। और मुझे विगत 5 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, इनमें 16,90,000 टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उन सभी रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया, उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग कर चुके हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में टीबी जांच पर विशेष रूप से ध्यान देने की कार्रवाई भी हो रही है। प्रदेश के अंदर आज जब यहां पर वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर यह समिट आयोजित की जा रही है, तब आज पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 80,000 से अधिक डॉट्स किट वितरण करने की कार्रवाई अलग अलग जनपदों में भी वर्तमान में चल रही है। यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर उन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके स्वास्थ्य में वे भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। इस दिशा में प्रदेश ने अपनी इस दिशा में बेहतर अभियान प्रारंभ किया है, खासतौर पर संचारी रोग नियंत्रण के लिए चलाए जाने वाले अभियान में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को उत्तर प्रदेश ने
होने वाली मौत को 96% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 18,73,000 से अधिक गरीब लाभार्थियों को 2,277 करोड़ रुपए से अधिक की निःशुल्क उपचार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया है। भारत ने कोविड कालखंड के अंदर दुनिया के सामने इन जैसी महामारियों को प्रबंधन का एक मॉडल प्रस्तुत किया और पहली बार हुआ है कि किसी महामारी के आने पर स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रत्येक नागरिक के प्रति उनकी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित करने का एक उदाहरण है और उत्तर प्रदेश ने उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लगभग 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उत्तर प्रदेश के वासियों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों के परिणाम आज आने प्रारंभ हुए हैं और जिसमें मातृ मृत्यु दर जो पहले प्रदेश में 285 प्रति लाख थी आज वह घटकर के 167 प्रति लाख आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है और पिछले 9 वर्षों में शिशु मृत्यु दर को भी जो 57 प्रति हजार थी आज उसे घटा करके 38 प्रति हजार करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ 2025 के आज के वर्ल्ड टीवी डे के इस थीम के साथ यस वी कैन इन टीवी के संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 में भारत टीबी मुक्त होगा, टीबी हारेगा और भारत जीतेगा और भारत आज G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है और हर एक क्षेत्र में भारत उस सामर्थ्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। आप सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इस धरती पर बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। राज्य द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका सादर धन्यवाद। आज विश्व टीवी दिवस के अवसर पर 5 नए उपक्रमों की शुरुआत की जा रही है। पहला है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा अब तक की गई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। यह रिपोर्ट बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करती है जिस पर चलकर हम टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। इस मॉड्यूल को सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में द्वितीय व तृतीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तीसरी पहल है फैमिली केयर गिवर मॉडल। ये एक हेल्पलाइन है जो परिवार और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दोनों को ही सहयोग देती है। इसके अंतर्गत इंटरैक्टिव टूल्स और आईसी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आज टीबी मुक्त पंचायत अभियान को भी लॉन्च किया जाएगा। यह अभियान गांवों को टीबी से मुक्त बनाने के लिए है। इसके साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को संभव बनाने और सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए भी यह अभियान मददगार साबित होगा। पांचवा एवं अंतिम उपक्रम है टीबी संक्रमण के लिए शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा। इस नए ट्रीटमेंट के अंतर्गत केवल 12 खुराक ही क्षय रोग से बचाव के लिए पर्याप्त होंगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन नए उपक्रमों के डिजिटल विमोचन के लिए
भारत की नींव पर ही हम एक समृद्ध भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। देश ने पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनके आह्वान का अनुसरण करते हुए राष्ट्र दृढ़ संकल्प के साथ वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले सन 2025 तक टीबी मुक्त बनने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ये रिपोर्ट वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने की दिशा में किए गए देश के प्रयासों का एक संकलन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के निदान और उपचार के सशक्तिकरण हेतु एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ट्रेनिंग मॉड्यूल का अनावरण किया जा रहा है। ये मॉड्यूल भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में द्वितीय और तृतीय केयर स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बनाया गया है। इस मॉड्यूल के द्वारा उन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मामलों की पहचान, नोटिफिकेशन, निदान और उपचार के विषय में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीबी से प्रभावित परिवारों की खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फैमिली केयर गिवर इनिशिएटिव की शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों को टीबी संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी परिवार के सदस्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवाए जाएंगे, साथ ही इंटरैक्टिव टूल्स और प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल टीबी मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश के विकास में गांव और पंचायत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने हेतु टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं के सहयोग से हर गांव को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। ये अभियान न केवल भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा, बल्कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा। इलाज से बचाव बेहतर है को सार्थक बनाते हुए आज बड़े पैमाने पर टीबी निवारक उपचार रणनीति की भी शुरुआत की जा रही है। टीबी संक्रमण निष्क्रिय रूप से शरीर में रहता है और किसी भी कारण अगर रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाए तो ये बीमारी के रूप में सक्रिय भी हो सकता है। टीबी संक्रमित व्यक्ति के लिए अब भारत सरकार टीबी निवारक उपचार उपलब्ध करा रही है। ये नया 3HP टीबी निवारक उपचार मात्र 3 महीने का कोर्स है। इसकी खुराक लगातार 12 हफ्तों तक हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेनी होगी। ये उपचार टीबी रोगी के निकटतम संपर्क में आए 2 साल से बड़े व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप दें। तरह तरह की बीमारियों के उभार और कईयों के पुनः आभार के मद्देनजर बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी के लिए क्षमता का निर्माण और उसकी मजबूती बेहद अहम है। इस हेतु प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अर्थात पीएम अभीम के अंतर्गत NCTC द्वारा 10 हाई कंटेनमेंट BSL प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। ऐसी ही एक प्रयोगशाला वाराणसी में स्थापित की जा रही है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि आप रिमोट दबाकर पीएम अभीम के अंतर्गत वाराणसी में BSL लैब
मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की वर्चुअल आधारशिला रखें। आखिरकार हम कार्यक्रम के सबसे बहुप्रतीक्षित भाग यानी पुरस्कार समारोह में आ गए हैं। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी फ्री स्टेटस, ये वो पैमाना है जिससे किसी जिले और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर टीबी समाप्त करने की दिशा में प्रगति को मापा जाता है। इस मापन के लिए 2015 को आधार वर्ष माना जाता है। जो राज्य और जिले टीबी के मामलों में सराहनीय कटौती हासिल करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र, पदक और नकद राशि देकर सम्मानित किया जाता है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, द्वितीय डेटा सत्यापन, दवा बिक्री में डेटा आदि का विश्लेषण शामिल है। इस एक महीने से अधिक की प्रक्रिया में राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। टीबी के मामलों में 20% कमी हासिल करने वाले राज्य व जिलों को कांस्य पदक दिया जाता है, 40% की कमी हासिल करने के लिए रजत पदक और 60% की कमी पर स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। जो राज्य व जिले 80% कमी हासिल करने में सफल होते हैं उन्हें टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस साल कांस्य पदक में 2 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और 62 जिलों को, रजत पदक से 3 राज्य अथवा 46 जिलों को और स्वर्ण पदक से 18 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस वर्ष 3 जिलों को टीबी मुक्त घोषित भी किया गया है। अब कर्नाटक राज्य से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अनिल कुमार टीके जी से मैं आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आएं एवं अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं वे कर्नाटक राज्य को रजत पदक से पुरस्कृत करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी जम्मू और कश्मीर से श्री भूपेंद्र कुमार जी, सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी से कांस्य पुरस्कार ग्रहण करें। अब मैं निम्न जिलों के प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। जिला नीलगिरी तमिलनाडु से श्रीमती शिल्पा प्रभाकर सतीश, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तमिलनाडु। जिला पुलवामा जम्मू कश्मीर से श्री बसीर उल हक चौधरी जी, जिला विकास आयुक्त, जिला पुलवामा। जिला अनंतनाग जम्मू कश्मीर से डॉक्टर भशारत कयूम जी, जिला विकास आयुक्त, जिला अनंतनाग। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई।
इस वर्ष हमारे पास 300 से अधिक जिले थे जिन्हें इस सर्टिफिकेशन के लिए नामांकित किया गया था। आप सभी ने अपने राज्यों और जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के निरंतर प्रयासों की हार्दिक सराहना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने विचारों को मन की बात के माध्यम से उजागर किया है। 26 मार्च 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीबी की बीमारी के उन्मूलन की महत्वता को समझाते हुए सभी देशवासियों को इस जन आंदोलन से जुड़ने का अनुरोध किया। 25 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त कराने के भारत सरकार के दृढ़ निश्चय की संकल्पना दी। 29 मार्च 2022 को उन्होंने सभी देशवासियों को कर्नाटक की बेटी कल्पना के अदम्य मनोबल के बारे में अवगत किया। कल्पना ने टीबी रोग के कारण अपनी दृष्टि खो दी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ 3 महीनों के प्रयत्न ने उसने 92 गुण प्राप्त किए। हम सब कल्पना की दृढ़ता की सराहना करते हैं। देवियों और सज्जनों, हमने ऐसे बहुत अवसरों पर टीबी पर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के विचार सुने हैं, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज ये हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक जी, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री, WHO के रीजनल डायरेक्टर, उपस्थित सभी महानुभाव, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम
यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनभागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनभागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पीगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है।
मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं। और मैं आपका भी आभारी हूं, आपने अभी आज वाराणसी के 5 लोगों के लिए घोषणा कर दी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी, अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR ने मिलकर सब नेशनल डिसीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है, टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले और इतना बड़ा देश बहुत बड़ा संकल्प लिया है और संकल्प लिया है देशवासियों के भरोसे। भारत में हमने कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी काफी मदद कर रही है। भारत की इस लोकल अप्रोच में बड़ा ग्लोबल पोटेंशियल मौजूद है जिसका हमें साथ मिलकर इस्तेमाल करना है। आज टीबी के इलाज के लिए 80% दवाएं भारत में बनती हैं। भारत की फार्मा कंपनियों का यह सामर्थ्य टीबी के खिलाफ वैश्विक अभियान की बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगा भारत के ऐसे सभी अभियानों का, सभी इनोवेशंस का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का, इन सारे प्रयासों का लाभ ज्यादा से ज्यादा देशों को मिले, क्योंकि हम ग्लोबल गुड के लिए कमिटेड हैं। इस समिट में शामिल हम सभी देश इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। और जैसा आपने कहा, टीबी हारेगा, दुनिया जीतेगी। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बरसों पुराना वाक्य भी याद आ रहा है। मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लेप्रसी को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया था। और जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, एक बार उन्हें अहमदाबाद के एक लेप्रसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। गांधी जी ने तब लोगों से कहा कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। गांधी जी की अपनी एक विशेषता थी, बोले मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। बोले मुझे तो खुशी तब होगी जब आप उस लेप्रसी हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मुझे आनंद होगा। यानी वो लेप्रसी को समाप्त करके उस अस्पताल को ही बंद करना चाहते थे। गांधी जी के निधन के बाद भी वो अस्पताल दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 2001 में जब गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मेरे मन में था कि गांधी जी का एक काम रह गया है ताला लगाने का, चलिए मैं कुछ कोशिश करूं।
तो लेप्रेसी के खिलाफ अभियान को नई गति दी गई और नतीजा क्या हुआ, गुजरात में लेप्रेसी का रेट 23% से घटकर के 1% से भी कम हो गया। साल 2007 में मेरे मुख्यमंत्री रहते वो लेप्रेसी हॉस्पिटल को ताला लगा, हॉस्पिटल बंद हुआ, गांधी जी का सपना पूरा किया। इसमें बहुत से सामाजिक संगठनों ने, जन भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई और इसलिए ही मैं टीबी के खिलाफ भारत की सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। आज का नया भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। भारत ने ओपन डेफिकेशन फ्री होने का संकल्प लिया और उसे प्राप्त करके दिखाया। भारत ने सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल करके दिखा दिया। भारत ने पेट्रोल में 3% की इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय समय से पहले प्राप्त करके दिखाया। जन भागीदारी की यह ताकत पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा रही है। टीबी के खिलाफ भी भारत की लड़ाई जिस सफलता से आगे बढ़ रही है उसके पीछे भी जन भागीदारी की ही ताकत है। हां, मेरा आपसे एक आग्रह भी है, टीबी के मरीजों में अक्सर जागरूकता की कमी दिखती है। कुछ न कुछ पुरानी सामाजिक सोच के कारण उनमें ये बीमारी छिपाने की कोशिश दिखती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। साथियों, बीते वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार से भी टीबी समेत विभिन्न बीमारियों के मरीजों को बहुत मदद मिली है। आज यहां नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वाराणसी ब्रांच का भी शिलान्यास हुआ है। पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट का काम भी शुरू हुआ है। आज बीएचयू में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हो, ब्लड बैंक का मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो, बनारस के लोगों के बहुत काम आ रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में अब तक 70,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। इन लोगों को इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह बनारस में कबीर चौरा हॉस्पिटल हो, जिला चिकित्सालय हो, डायलिसिस, सीटी स्कैन जैसी अनेक सुविधाओं को बढ़ाया गया है। काशी क्षेत्र के गांवों में भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी अनेक सुविधाओं से युक्त किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बनारस के 1.5 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। करीब करीब 70 जगहों पर जन औषधि केंद्रों से मरीजों को सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। इन सभी प्रयासों का लाभ पूर्वांचल के लोगों को, बिहार से आने वाले लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, भारत अपना अनुभव, अपनी विशेषज्ञता, अपनी इच्छा शक्ति के साथ टीबी मुक्ति के अभियान में जुटा हुआ है। भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के
काम करने के लिए भी निरंतर तत्पर है। टीबी के खिलाफ हमारा अभियान सबके प्रयास से ही सफल होगा। मुझे विश्वास है हमारे आज के प्रयास हमारे सुरक्षित भविष्य की बुनियाद मजबूत करेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे पाएंगे। मैं आपका भी बहुत आभारी हूं, आपने भारत की इतनी बड़ी सराहना की, मुझे निमंत्रण दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी एक शुभ शुरुआत और वर्ल्ड टीबी डे के दिन मेरी आप सबको इसकी सफलता और एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।